गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों देखिए ये आज आपका लेसन 30 है। लेसन 30 है आपका पिक्चर स्टोरी। देखिए बच्चों, इसमें एक पिक्चर बनी हुई है। आपको ऊपर देखिए ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, कंप्लीट द स्टोरी ऑफ ए ग्रीडी डॉग। इससे उचित शब्दों से इसको आपको भरना है जो इसमें दिए हुए हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, कौन से वर्ड्स दिए हुए हैं, बोन BONE DOG डॉग, BRIDGE ब्रिज, RIVER रिवर। देखिए बच्चों, देखिए ये लिखा हुआ है अ ब्राउन डॉग। तो ये डॉग बना हुआ है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, डॉग। डॉग वॉज सर्चिंग फॉर फूड। एक ब्राउन डॉग जो है, ये भूरा कुत्ता जो है, ये क्या कर रहा है, खाने की खोज कर रहा है। ही फाउंड अ बोन। देखिए ये बोन बना हुआ है ना, तो यहाँ पर बोन लिखना है। ही या इसने क्या ढूंढा, बोन, हड्डी को ढूंढा। ही कैप्ट इट इन हिज माउथ ऑन द वे। और वो हड्डी को अपने मुंह में दबा के रास्ते से जा रहा था। ही हैड ए क्रॉस अ रिवर। देखिए ये रिवर बना हुआ है, तो आपको यहाँ पर RIVER रिवर लिखना है। वह अपने मुंह में हड्डी दबाकर क्या कर रहा था, वो रिवर क्रॉस कर रहा था। व्हेन ही वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज, और वह ब्रिज को क्रॉस करने लगा। ही सा हिज रिफ्लेक्शन इन द डॉग। बच्चों देखिए, इसने पानी में अपनी परछाई देखी और उसे सोचा कि यह एक दूसरा डॉग है। ही थॉट दैट देयर वॉज अनदर डॉग, मतलब यह दूसरा डॉग है, विद अ बोन, हड्डी के साथ, या दूसरा डॉग है। ही वॉन्ट टू गेट द बोन, वह चाहता था कि वह उससे वो अगली बोन भी ले ले। ही सो ही बाग, उस वह इसीलिए वह भौंकने लगा। एज ही ओपन हिज माउथ हिज बोन, जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसके मुंह से बोन नीचे की तरफ गिर गई, फेल इन द रिवर, और नदी में चली गई। द ग्रीडी डॉग लॉस्ट इट फूड, लालची जो कुत्ता है, उसने क्या किया, उसने लालच में अपना खाना खो दिया। मोरल, डोंट बी ग्रीडी। बच्चों देखिए, इससे हमें, इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कि हमें लालची कभी नहीं होना चाहिए, मतलब लालची मत बनो। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, ये स्टोरी आपको ऐसे ही इसको फिल करना है और विद स्पेलिंग लर्न करनी है और अपनी कॉपी में लिखनी है। ओके बच्चों, थैंक यू।